press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार दोस्तों, ओल्डिस इन्फो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं उसी तरह दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं दोस्तों। ये वीडियो सभी के ही काम में आ सकता, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो जो भी भाई वीडियो को डीटीएच का कनेक्शन रखते हो तो उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत उपयोगी है। क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद में अगर आपका डीटीएच इस तरह से ख़राब होता तो आप इसे खुद घर पे ही ठीक कर सकते हो और आपके जो सर्विस चार्ज का ₹200 होता है वो आप बचा सकते हो। दोस्तों वीडियो पूरा देखोगे तभी आपको पता चलेगा कि इस वीडियो में मैंने क्या चीज़ दिखाई है और जो प्रॉब्लम है उसे आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ जो वीडियो को उनका डीटीएच का जो लोगो होता है वो हैंग होता हो जाता है और उस हैंग होने के बाद में आपका कोई रिमोट काम नहीं करेगा और आपका सेट टॉप बॉक्स एक ही जगह रुका हुआ रह जाएगा। ये बीमारी ये प्रॉब्लम किसी के भी सेट टॉप बॉक्स में हो सकती है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दोस्तों मैंने ये वीडियो बनाया है और इस वीडियो को आप पूरा देखोगे तो आपके जो डीटीएच का सेट टॉप बॉक्स होता है उसे आप घर पे ही खुद रिपेयर कर सकते हो और इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो बिना किसी खर्चे के। तो चलिए दोस्तों आप वीडियो पूरा देखिए और मैं आपको वीडियो में जो स्टेप बाय स्टेप बताते जा रहा हूँ उस तरह से आपको ये करना होगा। सबसे पहले दोस्तों ये लोगो क्यों आता, जब आपके सिग्नल वीक होते हैं तब ये लोगो आता है या कोई सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा हो आपके सेट टॉप बॉक्स में, आप बीच में बंद कर देते हो तो ये लोगो आता। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दोस्तों आपको ये करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको लाइट की प्लग से आपका जो सेट टॉप बॉक्स होता है उसे पावर से निकालना होगा। पावर से आप लगाओगे तो आपकी जो सेट टॉप बॉक्स की जो टीवी की स्क्रीन है उस पर ये पट्टी चल रही है परसेंटेज की, ये 10 से 5-10 के बीच में आए तो आपका जो वीडियो कॉल का डीटीएच का रिमोट होता उससे आप सबसे पहले ग्रीन वाला बटन दबाओगे, फिर ग्रीन 0-5 म्यूट, ये चारों बटन दबाओगे तो आपका जो सेट टॉप बॉक्स होता वो बाद में बंद होगा। एक बार फिर मैं आपको बताता हूँ, ये तीर के निशान पे परसेंटेज की लाइन है, ये आने के बाद में आपके रिमोट से ग्रीन 0-5 म्यूट वाले जो तीर के निशान बटन है ये आप दबाओगे तो आपका सेट टॉप बॉक्स कुछ टाइम के लिए बंद हो जाएगा और बंद होने के बाद में दोस्तों वो चालू होगा। अब इस वीडियो को आप दोस्तों आप पूरा देखो, जब आपका जो लोगो हैंग हो जाए, जब ये परसेंटेज आ जाए तब आपके रिमोट से ग्रीन 0-5 म्यूट दबाओ, दबाने के बाद में आप कुछ मत करो, ऑटोमेटिक आपका सेट टॉप बॉक्स ठीक हो जाएगा। ये वीडियो देखिए दोस्तों, मैंने ग्रीन 0-5 म्यूट दबाया है और ये बंद हो के अब ये चालू होगा और किस तरह से ये ऑटोमेटिक स्कैन होगा वो आप इसको देखते रहिए दोस्तों। केवल आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये परसेंटेज की लाइन है, इस लाइन को स्टार्ट होते ही आपको जो रिमोट होता उसे आप रिमोट से ग्रीन 0-5 म्यूट का बटन दबाना होगा और आपको कुछ नहीं करना होगा। और जब आपका सेट टॉप बॉक्स ये आप बटन दबा दोगे तो पूरी इस थोड़ी देर के लिए रुक जाएगा स्कैनिंग पे, जैसे डीटीएच लोगो हैंग होता उस तरह से रुक जाएगा, उसके बाद में दोस्तों ये सेट टॉप बॉक्स ऑटोमेटिक बंद होगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ कंप्लीट, इस चीज़ को आपको देखना होगा पूरा कंप्लीट वीडियो। ये देखिए दोस्तों, परसेंटेज लाइन स्टार्ट हो रही है, मैं रिमोट से ग्रीन 0-5 म्यूट दबा रहा हूँ, दबाते ही दोस्तों ये सेट टॉप बॉक्स बंद होगा, ये बंद हो गया। बंद होने के बाद में दोस्तों इस तरह से आपकी स्कैनिंग होगी, आप देख सकते हो जी ये ग्रीन वाली जो पट्टी आ रही है, अगर आपकी ऊपर वाली पट्टी वाइट होगी नीचे की ग्रीन होगी तो आपकी ये प्रॉब्लम बार बार आ सकती है, फिर आपको डिस्क को ठीक कराना होगा। ये दोनों पट्टी जो ग्रीन रहनी चाहिए, जो सिग्नल क्वालिटी आ रही है ये पूरी ग्रीन रहनी चाहिए, वाइट नहीं होनी चाहिए। इस तरह से दोस्तों आपका ये सेट टॉप बॉक्स स्कैन हो रहा है, स्कैन होने के बाद में दोस्तों आपको देखना ये कि ये लोगो ऑटोमेटिक हट जाएगा और आपका कंप्लीट सेट टॉप बॉक्स तैयार हो जाएगा। अब ये स्कैन हो रहा दोस्तों, पूरे चैनल स्कैन होगा क्योंकि ये हैंग हो चुका था इसलिए वापस स्कैन हो रहा, अपन ने ग्रीन 0-5 मिनट दबाया है, ये ऐसे बंद हो के चालू हो गया। तो दोस्तों आपके सेट टॉप बॉक्स को ग्रीन 0-5 म्यूट दबा के रिमोट से तो आपकी ये प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इस वीडियो को आप दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें ताकि ऐसे ही हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। अगर दोस्तों आपको इस वीडियो में कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के आप पूछ सकते हो। धन्यवाद।